सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो V23 फोन के कैट कंट्रोल सेटिंग के बारे में। हाँ दोस्तों, कैट कंट्रोल सेटिंग क्या है, इसे कैसे यूज किया जाता है मैं आपको बताने वाला, एंड इसको कैसे आप अपने फोन में यूज कर पाओगे वीवो के V23 फोन के सेटिंग से एंड कैट कंट्रोल सेटिंग को, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में इसका यूज कैसा है एंड इसको कैसे इनेबल करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो कि डिवाइस कंट्रोल यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, तो मैं इसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं आप यहां पे यूज कर पाओगे कैट कंट्रोल सेटिंग के बारे में, जो कि कुछ डिवाइसों में यहां पे अपडेट के साथ दिया जा रहा है। कुछ डिवाइसों में जो लॉन्च किया गया नया नया फोन उसमें आपको कैट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, तो मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने फोन में यूज कर पाओगे, तो इसी के बारे में बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं, इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों हम बात करने वाले हैं वीवो के V23 फोन के कैट कंट्रोल सेटिंग के बारे में, तो चलते हैं फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा, तो जैसे कि यहां पे मेरे पास वीवो का V23 फोन है और इसी फोन में मैं आपको बताने वाला हूं कैट कंट्रोल सेटिंग के बारे में, जो कि आपको आपको पता भी होगा, अगर आपको नहीं पता है तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कैसे कैट कंट्रोल सेटिंग को यूज किया जाता है, जो कि वीवो के V23 में आपको देखने को मिल जाता है। तो आप जैसे कंट्रोल सेंटर को स्वाइप करोगे नोटिफिकेशन बार को, आपको यहां पे मिल जाएगा एक डिवाइस कंट्रोल का ऑप्शन, तो डिवाइस कंट्रोल वाले पे आपको क्लिक करना। आप जैसे डिवाइस कंट्रोल पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का कैट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कैट कंट्रोल लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना। आप जैसे यहां पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहां पे कैट कंट्रोल का, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन है, तो यहां पे आप मार्कर लगाएंगे एंड यहां पे मार्कर लगाएंगे, यहां पे मार्कर लगाएंगे, तो यहां पे जैसे यहां पे सेव करेंगे यहां पे आपका जो कैट कंट्रोल है यहां से सेव हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद यहां पे एक बबल सा ऑप्शन आ जाएगा, जो कि यहां पे बबल के ऑप्शन पे आप यहां पे जो कि चैटिंग वगैरह कर सकते हैं अलग से बबल के तरीके से, जो कि इसका मतलब है यहां पे कैट कंट्रोल कुछ इस तरीके से काम करता है। अब जैसे यहां पे मैं क्लिक करता हूं एंड अब यहां पे मैं क्लिक करता हूं तो कुछ अलग अलग यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहां पे आप कैट कंट्रोल को इसी तरीके से यूज कर पाओगे, जो कि कैट कंट्रोल यहां पे आपको दिखाता हूं। अब जैसे यहां पे बैग आ गए उसके बाद हम जाते हैं यहां पे डिवाइस कंट्रोल पे, तो यहां पे जैसे हम डिवाइस कंट्रोल पे आते हैं उसके बाद हमें यहां पे देखने को मिल जाता है कैट कंट्रोल जैसे था जो हट गया यहां पे, कुछ समय के बाद यहां पे आपको एक बबल सा ऑप्शन आ जाएगा, जो कि बबल का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप यहां पे जो कि यहां पे चैटिंग वगैरह व्हाट्सएप से कर सकते हो बबल के तरीके से, अच्छे अच्छे डिजाइन में यहाँ पे चैटिंग वगैरह कर सकते हो, ये इसी का काम आता है जो कि कैट कंट्रोल। यहाँ पे आपको बताया मैंने, जैसे ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड कंट्रोल, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि सेव पे हमने क्लिक किया था और यहाँ पे आप मार्का हटा देते हैं। अब जैसे मैं दोबारा से यहाँ पे करता हूँ उसके बाद मैं सेव कर दिया, जो कि यहाँ पे हमारा ऐड कंट्रोल हो चुका है, और ऐड कंट्रोल जैसे हमारा हो चुका है लेकिन यहाँ पे इसको ओपन होने में थोड़ा समय लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ कैट कंट्रोल को हम यहाँ पे करते हैं उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन था यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हो, जो भी ऑप्शन है यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में से लोडिंग ले रहा है, तो यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद एक बबल सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो इसी तरीके से कैट कंट्रोल को यूज किया जाता है। और कैट कंट्रोल में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि कैट कंट्रोल के अंदर आप व्हाट्सएप वगैरह पे चैटिंग कर सकते हैं और भी बढ़िया कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे जिस पे आप चैटिंग वगैरह करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसी काम में आता है कैट कंट्रोल। एंड यहाँ पे जब आप इसको थोड़ा देर तक फोन को रख देंगे तो अपने आप से ये हट जाएगा, लेकिन आपको इसको यूज करने के लिए इसी यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके बाद इस तरीके से आप कैट कंट्रोल सेटिंग को यूज कर पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया कैट कंट्रोल सेटिंग कैसे आपको यूज करना है, एंड अपने वीवो के V23 फोन में सेटिंग से आपको यहाँ पे मैंने बता दिया हूँ, तो आप जाके अपने फोन में ट्राई कर सकते हो कैट कंट्रोल सेटिंग को। जैसे आप यहाँ पे आएंगे डिवाइस कंट्रोल एंड डिवाइस कंट्रोल पे आएंगे उसके बाद आपको एक कैट कंट्रोल लिखा हुआ आएगा, कैट कंट्रोल पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके से आपको जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसी तरीके से आपको मार्कर लगाकर सेव कर देना है। अब जैसे सेव कर देंगे तो कैट कंट्रोल कुछ इस तरीके से काम करता है, जो कि यहाँ पे आपको एक अलग सा बबल आएगा और उस बबल से आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, थोड़ा देर के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक से बंद हो जाएगा।
तो इस तरीके से कैट कंट्रोल हमारे फ़ोन में काम करता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर मैंने बता दिया जो कि वीवो के B23 फ़ोन में कैट कंट्रोल सेटिंग के बारे में, और जाके आप अपने फ़ोन में ट्राई भी कर सकते हो इस कैट कंट्रोल सेटिंग को, जो कि यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कंट्रोल एंड एडिट कंट्रोल जो भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको यूज करना। एंड जो कि इसमें एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ जाएगा, जो कि एप्लीकेशन अलग से आता है और उस जो कि उसको पैसा पे करना पड़ता तभी वो एप्लीकेशन काम करता, तो उसके लिए मैंने आप लोग को नहीं बताऊंगा, जो कि यहाँ से अपने फ़ोन के सेटिंग से ही आप कैट कंट्रोल को यूज कर पाओगे। तो इस तरीके से आप जाके अपने फ़ोन में ट्राई कर सकते हो एंड कैट कंट्रोल सेटिंग को वीवो के B23 फ़ोन में। तो फाइनली दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे आप कैट कंट्रोल सेटिंग को यूज कर पाओगे वीवो के B23 फ़ोन के सेटिंग से। तो फाइनली दोस्तों चलिए आज के इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सो फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाबा दोस्तों।